दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। इंडियन आर्मी स्कूल, दोस्तों अगर आप भी क्या इंडियन आर्मी स्कूल में टीचर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिए। दोस्तों यहाँ पर अगर आप इंडियन आर्मी के अंदर बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख लीजिए। दोस्तों यहाँ पर ऑफिशियल अपडेट है, यहाँ पर ऑफिशियल अपडेट यहाँ आप देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं न्यू गाइडलाइंस, टेस्ट, ओल्ड पेपर सेट, न्यू स्टूडेंट्स, मेल आईडी वगैरह सब कुछ यहाँ पर अपडेट है। अब दोस्तों मैं यहाँ जो आपको चीज़ बताने वाला हूँ ये आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा। तो दोस्तों यहाँ आप सभी के लिए जो इंडियन आर्मी स्कूल के अंदर वैकेंसी आई है उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं और वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे तब आपको पता चलेगा। दोस्तों तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों चलते हैं सीधा ऑफिशियल अपडेट के ऊपर कि क्या अपडेट है, क्या नोटिफिकेशन है उनके बारे में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी के लिए एक जो वैकेंसी है वो हम लेके आ चुके हैं, पूरा डिटेल से पढ़ने वाले। ऑल इंडिया वैकेंसी है, 8000 पदों के ऊपर वैकेंसी है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए दोस्तों यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन टेस्ट आप सभी के लिए शुरू हो चुका है। इसके अंदर दे रखा है कि जनरल इंडियन आर्मी के लिए, किसके दोस्तों, इंडियन आर्मी से संबंधित पूछा गया है। इसके अंदर सबसे पहले क्या होने वाला, क्या नहीं होने वाला, पूरा सबसे पहले आपका क्या होगा, एक टेस्ट होने वाला। दोस्तों क्या होगा, टेस्ट होने वाला, टेस्ट के बाद में यहाँ पर आपका क्या होगा, इंटरव्यू होने वाला है। क्या होने वाला दोस्तों, इंटरव्यू होने वाला है, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे आपको किस प्रकार से जो एजुकेशन्स है, एजुकेशन्स के अंदर मार्क्स दिए जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए PGT, TGT और PRT है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी अगर आपने BSTC कर रखी है इसमें दे रखा है BEd, BSTC, BEd और BEd, जिसके एवरेज से अगर आपको नंबर मिलेंगे तो 50% 50-50 एवरेज के हिसाब से, यानी TGT, यानी दोस्तों पहली से लेकर आठवीं तक, 10वीं से 12वीं और 12वीं तक के स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए आ फॉरम। इसके अंदर दे रखा है कि द पोस्ट ग्रेजुएशन फॉर लेंथ ऑफ 50% और ग्रेजुएशन फॉर 50% अदर सब्जेक्ट ऑफ 50% नंबर होना जरूरी है। इसमें दे रखा है दोस्तों, अब उसके बाद में जो एज लिमिट है 1 अप्रैल 2021, 40 वर्ष, कितनी दोस्तों, 40 वर्ष से कम है तो आप फॉर्म यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका देखेंगे 19 से 20 फरवरी 2022 मेथड ऑफ रजिस्ट्रेशन द ऑनलाइन एग्जाम के लिए, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद में देखेंगे जो आपका 100 नंबर का क्वेश्चन होगा, 1/4 रॉन्ग माइनस होगा, इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन सिस्टम है, क्या नॉर्मलाइजेशन सिस्टम है, और इसकी जो फीस है नॉन ऑफ, यहाँ पर 385 रुपये आपको फीस भरनी होगी। पेमेंट सैलरी दोस्तों देखिए 7 जनवरी से लेकर 28 जनवरी तक आप फॉर्म भर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। तो उसके साथ और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन पोर्टल, 1 फरवरी से आपको एक मॉक टेस्ट मिलेगा। एग्जाम सेंटर की बात करें कोविड के अनुसार अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर जहाँ आपको मिलेगा, जैसे दिल्ली है, जयपुर है, इस प्रकार से यहाँ आपको मिल जाएगा दोस्तों। एडमिट कार्ड से संबंधित भी रिलेटेड है, एग्जाम से रिलेटेड हिस्ट्री, स्कोर कार्ड से संबंधित संपूर्ण रिजल्ट, देखिए क्या क्या है यहाँ पर आप देखेंगे। देखिए सबसे पहले आपका 7 जनवरी से लेकर 28 जनवरी तक ऑनलाइन फॉर्म होगा, एडमिट कार्ड आपको 10 फरवरी तक मिल जाएंगे, एग्जाम आपको 19 से 20 फरवरी को, रिजल्ट 28 फरवरी को। तो दोस्तों 2 महीने के अंदर गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं, कितने 2 महीनों के अंदर आप गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं अगर आप अच्छी तरीके से तैयारी करते हैं तो। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्कूल है कहाँ कहाँ पर है, इंडियन आर्मी के स्कूल है पूरे देश के अंदर 136 स्कूल है। देखिए पुणे, दिल्ली, आबू, मुंबई, अहमदाबाद, तो कुल जो पोस्ट 136 ऑल इंडिया के अंदर, कहाँ है, ऑल इंडिया के अंदर है। यस तो ऑल इंडिया ऑफ, और यहाँ यहाँ आपका क्या है, जो एग्ज़ाम्स होने वाला है, जो भी एग्ज़ाम्स होगा यहाँ पर एग्ज़ाम्स होगा,
उसके बाद में देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको देखेंगे जो कौन कौन से, देखिए इंग्लिश के लिए है जो पीजीटी और टीजीटी, इंग्लिश के लिए है, हिंदी के लिए है, संस्कृत के लिए, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, वॉटिल, मैथ, बायो केमिस्ट्री, बायोग्राफी, कंप्यूटर साइंस, ऑनर्स, फिजिक्स, कॉमर्स। तो कुल 17 विषय हैं। 17 विषय में केवल यहाँ पर दो दो और तीन चार, 1, 2, 3 और 4 के अंदर टीजीटीटी नहीं है, बाकी सभी के अंदर है। तो यहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। ये आप सभी के लिए फॉर्म का अपडेट है। और ये जो आप देख सकते हैं, प्राइमरी एजुकेशन, मास्टर ऑफ डिग्री इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, और बीएड भी आपको कंप्लीटेड बीएड होनी, क्योंकि 2 महीनों के अंदर होनी चाहिए। साथ साथ देखिए, फिजिक्स के अंदर मास्टर डिग्री प्लस बीएड, बीएड होना जरूरी है। बीएसटीसी बीएड है तो आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। पूरी भर्ती है आप सभी के लिए। 8,000 से ज़्यादा वैकेंसी है। क्या है? 8,000 से। देखिए सिलेबस के लिए आपको 80 क्वेश्चंस देंगे। 80 क्वेश्चंस के अंदर बेसिक जीके है दोस्तों, करंट जीके की हम बात करें, बेसिक जीके है, करंट साइंस है, प्रोफेशनल जीके हैं। तो देखिए ये तो आप देख सकते हैं, जीके का पार्ट से 80 नंबर का होने वाला है। उसके बाद में जो टीजीटी है, टीजीटी के अंदर भी पार्ट से जनरल नॉलेज, 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 सब्जेक्ट के हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से आप कवर कर पाओगे। अब ये जो पीजीटी के अंदर 120 प्रश्न आएंगे, यानी 80 प्लस 120 कुल कितने हो जाएंगे? 200। कितने हो जाएंगे दोस्तों? 200 क्वेश्चन के मार्क्स हैं। उसके बाद में नॉलेज से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। अब देखिए एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ है दोस्तों? पूरे भारत के अंदर 68 एग्जामिनेशन सेंटर। कितने? 68 एग्जामिनेशन सेंटर है। अब बोलेंगे सर हम राजस्थान के अंदर, तो राजस्थान के अंदर जोधपुर के अंदर है, अहमदाबाद, अजमेर के अंदर है, अहमदाबाद के अंदर है, यस। अब बोले भैया पुणे, महाराष्ट्र, मुंबई, भोपाल, दिल्ली, तो ये जो आपका है एग्जामिनेशन सेंटर का लिस्ट आपके सामने है। यहाँ पर देखिए जबलपुर, इंदौर, पटना, वाराणसी, मीरठ, जयपुर, अलवर, कोटा, तो यहाँ आपका बिल्कुल है, फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों ये पूरी वैकेंसी की लिस्ट है। और भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। बहुत बड़ी वैकेंसी आई है, इस वैकेंसी को हाथ में मत जाने दीजिए। और कोई भी सपोर्ट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें। थैंक यू सो मच। नई अपडेट में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, धन्यवाद।